हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर में और यूट्यूब कमेंट में एक सवाल पूछा था कि वाया नेपाल होते हुए हम सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल में इन्होंने, नेपाल ने एक सस्पेंशन लगाया था कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से तीसरे कंट्री नहीं जा सकते हैं। मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन का ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये लिखा है कि फॉरेनर्स नेपाल आ सकते हैं और नेपाल से कोई भी तीसरे कंट्री में ट्रांजिट कर सकते हैं। उसी सर्कुलर में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी लिखे हैं, नए प्रोसीजर भी हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंडिया से सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर चुके होंगे, डायरेक्टली भी आ गए होंगे या तो किसी दूसरे कंट्री से ट्रांजिट करके आ गए होंगे। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं लेकिन ट्रैवल करने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो वाया नेपाल होके भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मुझे कॉस्ट का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना कॉस्ट लगेगा। ये मैं कल या परसों थोड़ा सा स्टडी करूँगा, इसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि वाया दुबई आना चीप रहेगा या नेपाल से आते समय सस्ता रहेगा, तो ये कल या परसों बताऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं सर्कुलर जो है वो बता देता हूं कि उस सर्कुलर में क्या क्या नए गाइडलाइंस हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से नेपाल और नेपाल में 14 दिन रुक के सऊदी अरेबिया। ओके, ये जो सर्कुलर है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन का, ये कहीं इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में मुझे तो नहीं मिला, ना तो ट्विटर हैंडल में है ना तो इनके वेबसाइट में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फेक है या फिर गलत है। जो ये सर्कुलर मैंने, जिनसे ये सर्कुलर लिया है, वो ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो आप इसे, इस सर्कुलर को वैलिड मान सकते हैं। ओके, दो पेज का सर्कुलर है, 10 पॉइंट इन्होंने इस सर्कुलर में बताया है। और इस सर्कुलर में ये बताया है कि इससे पहले जो भी ट्रैवल रिलेटेड सर्कुलर पब्लिश किए गए थे वो सुपरसीड कर दिए गए हैं। ओके, यही लास्ट सर्कुलर है जिसको आपको फॉलो करना है। जो भी फॉरेनर्स नेपाल आ रहे हैं, पहला पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि जो भी फॉरेनर्स नेपाल आ रहे हैं उनके पास ये 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला, उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस वैक्सीन सर्टिफिकेट से ये बिल्कुल पता चलना चाहिए कि आपका 14 डेज हो गया है लास्ट डोज से। पता चलेगा जो वैक्सीन सर्टिफिकेट में डेट लिखा होता है कि कब आपने लास्ट डोज लिया था, उससे 14 डेज हो जाने चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट्स वो। दूसरा, आपके पास में कोविड PCR का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होने चाहिए, जो 72 आवर्स मैक्सिमम बिफोर डिपार्चर आपको टेस्ट करवाना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा, उन्होंने ट्रैकिंग वालों को या फिर माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए जो जाते हैं उनके लिए परमिट्स के बारे में पूछा, जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा, उन्होंने प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग बताया है, चाहिए आप लोगों को। अगर आप नेपाल जा रहे हैं, पहले नहीं चाहिए होता था होटल बुकिंग, लेकिन आपके पास कन्फर्म्ड होटल बुकिंग होने चाहिए जितने दिन आप नेपाल पे रुकेंगे। तो ये था चौथा डॉक्यूमेंट्स। और पांचवा डॉक्यूमेंट्स, एक अराइवल फॉर्म होता है, CCMC के वेबसाइट में जाके उसे फिल करना रहता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, वो आपको भर के उसका प्रिंटआउट ले जाना है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए, पहला पॉइंट में उन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं है या बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है, वो भी लोग आ सकते हैं, लेकिन उनको आने से पहले वीज़ा लेना होगा, ये लिखा हुआ है। वीज़ा लेना होगा और एजेंसी के थ्रू ही वो आ सकते हैं। एजेंसी का नाम इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है जो आईटा अप्रूव्ड एजेंसी है उनके थ्रू वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ही है कि वीज़ा लेना पड़ेगा जो वैक्सीनेटेड, जो नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं उनके लिए, लेकिन इंडियंस को तो वीज़ा नहीं चाहिए नेपाल जाने के लिए। तो ये चीज़ मैं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इंडियंस जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनको भी वीज़ा चाहिए या फिर वीज़ा नहीं चाहिए। ओके, अभी इस सर्कुलर का अगर आप माने तो, अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड है तो आपको एजेंसी के थ्रू ही आना होगा, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, वो शायद आपको बता देंगे क्लियरली कि क्या गाइडलाइंस है। मेरे पास जब आएगा तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरा पॉइंट ये उन लोगों के लिए था जो वैक्सीनेटेड नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट, जो नॉन रेसिडेंट नेपाली है उनके लिए है, उसको स्किप करेंगे। ओके,
चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है उन लोगों के लिए जो डिप्लोमेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, उसको भी हटाइए। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया है उन लोगों के लिए जो इंडियंस हैं और वाया बॉर्डर आ रहे हैं, रोड के थ्रू नेपाल आ रहे हैं, उनके लिए दो डॉक्यूमेंट्स बच चाहिए। पहला कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट और दूसरा अराइवल फॉर्म जो CCMC के वेबसाइट में जाके भरना रहता है। लेकिन अगर आपको इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया जाना है या फिर कोई भी तीसरे कंट्री में जाना है तो आप लैंड से नहीं आ सकते। आपका अगर घर बॉर्डर में भी है तभी भी आप नहीं आ सकते, ओके। आपको फ्लाइट से ही आना है, आपके पास में इमिग्रेशन का स्टंप होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लैंड के बारे में सोचिए ही नहीं, तो फिफ्थ पॉइंट भी आपके लिए नहीं है। और सिक्स पॉइंट उन्होंने बताया है कि जो भी लोग एयरपोर्ट में आ रहे हैं नेपाल इमिग्रेशन में आ रहे हैं तो वहाँ पे उनका कोविड PCR का टेस्ट होगा और जब नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा इसके बाद ही वो होटल से बाहर जा सकते हैं। और कुछ एयरपोर्ट्स में अगर टेस्ट का फैसिलिटी नहीं है तो उसके बारे में यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आए, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुझे लगता है उसमें कोविड PCR का टेस्ट होगा, फैसिलिटी होगा। सातवां पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोविड PCR का टेस्ट नहीं करवाना है और जो 18 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं उन्हें वैक्सीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना वो उनके लिए वही एप्लीकेबल होगा जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये सातवां पॉइंट था। आठवां पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सर्कुलर का, इसमें इन्होंने क्लियरली ये बात बताया है कि जो भी फॉरेनर्स नेपाल आ रहे हैं वो नेपाल होते हुए किसी तीसरे कंट्री में ट्रांजिट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में नेपाल से जाने से पहले, नेपाल से डिपार्चर करने से पहले कोविड PCR टेस्ट करवाना होगा। जो भी लोग नेपाल से तीसरे कंट्री जा रहे हैं जाने से पहले 48 आवर्स विद इन डिपार्चर उनको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा। दूसरा, उनको एक डिपार्चर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा वही CCMC के वेबसाइट में जाके। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, मैंने इसके ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो भी मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। मोबाइल से भी आप उसे भर सकते हैं, ओके ओके। और ये जो CCMC का फॉर्म आपको कब भरना है, जब आपके पास टिकट होगा और कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होगा, क्योंकि आपको ये सारे डिटेल्स उसमें फिल करने रहते हैं। तो जो भी ट्रैवलर्स नेपाल आ रहे हैं वो नेपाल से तीसरे कंट्री में ट्रांजिट कर सकते हैं, ट्रैवल करने से विद इन 48 आवर्स उनको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा, नेगेटिव रिपोर्ट्स होने पड़ेंगे आपके पास। दूसरा, आपको डिपार्चर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा CCMC के वेबसाइट में जाके। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो गलती पिछले ट्रैवलर्स ने किया है वो आप लोग मत कीजिएगा। ईमानदारी से कोविड PCR का टेस्ट करवाइएगा, इधर उधर पैसे दे के नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव मत करवाइएगा, ओके। नहीं तो फिर से बंद कर देगा, फिर बाकी सब लोगों को तकलीफ होगा, ठीक है। तो ये था आठवां पॉइंट। नौवां पॉइंट उन्होंने बताया एयरलाइंस वालों की कि जो लोग ये सारे नियम का पालन करेंगे उन्हीं को बोर्डिंग पास देना चाहिए। और 10 पॉइंट्स उन्होंने कुछ बाकी नेशनलिटी के बारे में बताया, इंडिया इसमें नहीं है तो आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। और ये 24 सितंबर का सर्कुलर है। तो ये था सर्कुलर में जो लिखा हुआ था वो सारी बातें। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे जो सर्कुलर थे ये बहुत ही जनरल था, इंडियंस के लिए नहीं थे, बाकी सब कंट्रीज़ के लिए थे। लेकिन इंडियंस को NOC चाहिए होगा अगर आप नेपाल से तीसरे कंट्री में जाते हैं। 19 सितंबर तक NOC का ज़रूरी नहीं था, ओके। इसके बाद कोई अपडेट नहीं है, मतलब NOC का ज़रूरी है। NOC आपको नेपाल पहुंचने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी जाके। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के फ्रेश अपडेट के साथ में बनाऊंगा। इससे पहले बहुत सारे NOC से रिलेटेड वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितना परेशानी हुआ था NOC लेने में, ओके। अब मैं चेक करूँगा एम्बेसी वालों से कि भाई नया गाइडलाइंस क्या है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, क्या फ़ीस है NOCs के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि फ़ीस भी चेंज हुआ था। पहले 1000 कुछ रुपये था और इसके बाद में 2500 रुपये कर दिए, ओके। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले नहीं चाहिए था, फिर बाद में ऑनलाइन कर दिया, तो अभी बहुत मिक्स इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार नेपाल पहुंच जाइए, इसके बाद में एक मैं ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा नेपाल एम्बेसी का, उनको ईमेल करके ये बात आप पूछ सकते हैं अगर आपको एक दो दिन में ट्रैवल करना है। तो
तो एनओसी आपको चाहिएगा, ओके। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए आपके, आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, आपको होटल बुकिंग चाहिए नेपाल में जितने दिन आप रुकेंगे उसके लिए, ओके। अगर आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया के जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका वीज़ा चाहिएगा आपको। अगर आप न्यू ट्रैवलर्स हैं तो इंश्योरेंस आपको चाहिए, कोविड इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो यहाँ पे 5 दिन रुकने का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है उसका पैकेज आपको चाहिएगा, ओके। और CCMC जो फॉर्म है उसको आप फिल कर लीजिएगा और उसका एक प्रिंटआउट ले लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन लिख दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। अब ये तो था सारे एक गोल गोल प्रोसेस। अब आपको, आपके सवाल ये होंगे कि भाई कितना पैसा लगेगा, कितना पैकेज है नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने का, तो इसके बारे में मैं स्टडी करूँगा कल या परसों, मैं आप लोगों के साथ पब्लिश करूंगा और बताऊंगा आपको कि कितने पैसे लगेंगे आपको, कौन कौन से एयरलाइंस है, कितने टिकट के कॉस्ट है, होटल कौन कौन से हैं, कितने उसके कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा नेपाल में, एक टोटल जितना होता है खर्चा वो सारा चेक करके आप लोगों को बताऊंगा कल या परसों। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।